मैंने बात की उससे, मतलब भाई ये तो मोबाइल मेरा है, मैं कब कह रहा हूँ भाई मेरा है मोबाइल, मतलब मेरे बोलो तुम्हें कहाँ से मिला, मतलब मैं डी सी ऑफिस के नीचे से मिला मुझे मोबाइल, ये तो मेरा मोबाइल है, मतलब भाई तुम इत्मीनान रखो तुम्हारा मोबाइल है, तो तुमको मिल जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। फिर पता नहीं क्या कहने लगा, मैंने रहा साहब मैंने जरा मालूम करना है क्या कर रहा है फ़ोन पर। अब उन्होंने फ़ोन पर बात की तो बोला नाम बताया होगा, बंद कर दिया। उन्होंने बोला वो आईजी ऑफिस में है कोई फरूख नाम, वो बोला मेरा है, ठीक है कोई बात नहीं मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। मेरे को नदीम भी कहना अब वो फिल्म नहीं चला दें कुछ, मैंने ऐसी की तैसी की मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ये तो चीज देने जा रहा हूँ मैं, ये 12-15 हज़ार रुपये का मोबाइल है बैठता है और मैं उसको देने जा रहा हूँ, मेरे चीज चला ऐसी की तैसी नहीं भैया। मैं सीधा आई जी ऑफिस में ऊपर गया ब्रांच के अंदर, सलामैकम वाईक सलाम, मैंने सीधा यूँ किया, मैंने इन सब में तुमने फ़रूख कौन है मुझे बताओ, ऐसे ही कहा मैंने फ़रूख कौन है मुझे बताओ, खड़ा हो गया। मैं हूँ फरूख, क्या काम है क्या मसला है सही, मैंने मसला कुछ भी नहीं है, आपकी कोई चीज़ घूमी है सही क्या। फिर वो अपने जेबें देखने लगा, फिर वो पैसे निकाले उसने, बटवा निकाला पैसे देने, मैंने पैसे नहीं है आप पैसे को छोड़ दो, आप पैसे नहीं है आपके, अगर कोई चीज़ घूमी तो मुझे बताओ मैं आपको वो दूँगा। अच्छा तुम बताओ ना क्या मिली है, मैंने मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम बताओ ना तुम्हारी चीज़ घूमी तो मैं तुम्हें दूँ वो चीज़, बताओ तो मैं ये नहीं बताऊँगा, मेरे को अभी फ़ोन आया था उसका तो मैं आया हूँ यहाँ, यहाँ का एड्रेस दिया आपके पास और अब मैं जा रहा हूँ, और मैंने चोरी थोड़ी की है, मैंने बोला मैं तो देने आया हूँ खुद एक चीज़ अमानत किसी की, मैंने चलो मिली है मुझे मैं दे रहा हूँ। बोला ये तो बात सही है आप आए हो ये है मेहरबानी, मगर वो बताओ से मैं नहीं, वो खुद मेरे से कंटेक्ट करेगा दोबारा फिर मैं आऊँगा, पहले मैं नहीं दे रहा ऐसे उतर गया चीज़ चलाया वहाँ आया तो ऐसा चले गए, नदीम खड़ा था बोला क्या हुआ, मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसे बात हुई खड़े हो गया था, उसने बोला पता ही नहीं उसको उसके हाथ में भी मोबाइल हो, बहुत ही बोल नहीं था मोबाइल घूम गया, मैं लेके वापस आ गया। अच्छा ऊपर गया नमाज का टाइम था, जुम्मे मैं चला गया 5 बजे नमाज पढ़, नमाज पढ़ के आया पता चला ऐसा भी चले गए, ढाका साहब बैठे थे वो भी चले गए, मैं डाडू के पास बैठ गया। फिर मैंने डाडू को बताया मैंने यार ये ऐसे ऐसे मोबाइल ये है मेरे पास, अभी आया मैं वहाँ मिल के आया हूँ आई जी ऑफिस में, और वो तो उसने बोला यार बताया नहीं था वो पैसे देख रहा कि कुछ देख रहा, अरे मामा रखे यार तू इसको अपने आप आएगा, मैंने बोला रख दिया अपना अपने आप कंटेक्ट करेगा। थोड़ी देर में फिर फ़ोन बज पड़ा तो डाडू ने बंद कर दिया, अरे मैंने बंद नहीं किया यार, फिर भजा फिर मैंने फिर डाडू ने बात की, बोला आपका मोबाइल महफूज है, और बोला वो कहाँ है बंदा वो आया था यार वो भाई का हैगा मोबाइल वो गिर गया था वो मेरे भाई का हैगा, और ये है जो है वो कहाँ है यार। अच्छा मैं वहाँ भी आया था नमाज में फूँ तो मैंने एकदम बंद कर दिया, फिर दोबारा आया नमाज में तो मैंने खोल के मैंने इतना कहा मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ उसके बाद बात करूँगा, बोला वो भी मेरी नमाज में ही बात हुई है नमाज़ पढ़ रहे थे वो कहाँ गया, बोला वो चला गया अमरीकन बॉर्डर पर रहता चला गया लड़ू ने कहा परेशान, बोले कहाँ रहता है अमरीकन क्वार्टर, बोले कल आना तू और इधर ही आना हमारे जिला नाजिम दफ्तर में, तुमको आपको 12-1 बजे आपको मोबाइल आपका मिल जाएगा कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं साईं बताओ ये है, बोला जब कह दिया है ना तुमको कि तुम्हारी चीज़ तुम्हारे को मिल जाएगी इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है तुम्हारे को, और हम बता रहे हैं आके डाडू नाम पूछ लेना मैं बैठा हूँ तुम्हारे को बंदा भी होगा तुम्हारे को मोबाइल दे देगा। फिर बंद कर दिया, फिर मैंने बोला यार डाडू ऐसा कर उसको रिंग यार, वो पता नहीं सारी रात परेशान रहेगा 12-15 हज़ार घर तेरी टेंशन में रहेगा बेकार में फ़ायदा क्या है यार, अरे यार अभी मैंने कह दिया उसको, मैंने कह दिया ना कि वापस आ गया चला गया था फिर वापस आ गया वो दफा, फिर उसने मिलाया फिर उसको कहा बोला आप यहाँ आ जाओ वो बंदा आ गया ले जाओ, बोला अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आऊँ, वो आने पर राज़ी हो गया। थोड़ी देर गुजरी नहीं आया, फिर डाड़ बोला चलते हैं मैंने एक दफ़ा और खुलवा दिया, फिर उसने खुलवाया बोला भाई क्या है नहीं आ रहा, फिर बोला मैं बस पहुंचने वाला हूँ
फिर वो आया नीचे, नीचे मालूम किया होगा उसने उससे वजीर से नज़ीर से, नज़ीर ने आया पूछने पर, हाँ वो मेहमान आया पर भेजे उसको, आया ऊपर सलाम आया वही बंदा इसके पास गया था, वो उसके साथ बोला यार ये भाई का था इसका और वो उसका गिर गया ये है, फिर मैंने निकाल के मैंने ये तो भाई तो उसको भी बताया था, मैं उसे भी देता मैं तो खुद आया देने के लिए, यार मेहरबानी यार कोई काम हो ये हो वो हो, मैंने नहीं बस तुम्हारी चीज़ आपको मिल गई बहुत ही, आप अपने लिए आप चीज़ हमारे और चाय बोल दो चाय पी लो बैठ, बोला नहीं यार ऐसी बात नहीं है चलो अच्छी बात।